तो आप जानते हैं कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, लेकिन दूसरा पहलू इसका यह भी है कि बिहार में सबसे ज्यादा वीआईपीज रहते हैं और सिर्फ इनकी सुरक्षा पर 142 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। वीआईपी की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, क्या है बिहार सरकार का जवाब? आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बिहार गरीब जरूर है, लेकिन वीआईपी भी बिहार में बहुत हैं। देश में सबसे ज्यादा वीआईपी बिहार में है। जमकर सरकार के खजाने से उनकी सुरक्षा में पैसे बहाए जाते हैं। इनमें नेता सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते हैं, जिन पर पानी की तरह सरकार पैसे बहाती है। बिहार में सबसे ज्यादा वीआईपी, बिहार में 3,951 वीआईपी, वीआईपी की सुरक्षा में 141 करोड़ खर्च, 70 वीआईपी पर आपराधिक मामले, बाकी राज्य बिहार से बहुत पीछे। ये क्या हो रहा है? कौन कह सकता है बिहार गरीब है? इसे पैसे की आवश्यकता है, विशेष दर्जे की जरूरत है, क्योंकि एमएलए, एमपी और व्यापारी तो धन्ना सेठ हैं, उनकी अमीरी उनकी जान की दुश्मन है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से भी जवाब तलब किया है, जवाब देने की तैयारी पुलिस विभाग कर रही है। स्टेट की तरफ से एफिडेविट में फाइल किया है और जो भी तथ्य हैं, जो नियम यहाँ बनाए गए हैं, उसके अनुसार कार्रवाई होती है। और इस इशू पर चूंकि एक सुनवाई चल रही है, तो हम लोगों ने अपने राज्य में जो भी तथ्य हैं उसको सामने रख दिया है। जो आगे का निर्देश होगा वो फिर पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दफनामा दिया है, 141 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं वीआईपी को सुरक्षा देने के लिए। हलफनामा दिया है तो क्या है? क्या जो सच्चाई है सो बताया सरकार ने? सबसे ज्यादा सर खर्च बिहार सरकार कर रही है वीआईपी को सुरक्षा देने। सबसे ज्यादा खर्च कर रही है ऐसी कोई सूचना नहीं। अभी तो जो खर्च कर रही है सरकार उसकी सही सूचना माननीय न्यायालय को दी। क्यों चाहिए बिहार में सुरक्षा? क्या वीआईपी को नक्सलियों से खतरा है? क्या बिहार अपराधियों का अड्डा? क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स? बिहार में वीआईपी की बारसी आ गई है, जनता के पैसे पर बजर पावर दिखाने का शौक जगा है। क्या सरकार के दावे खोखले हैं? सरकार दावा करती है कि बिहार से अपराधियों का राज खत्म हो गया है, फिर इतने वीआईपी कैसे पैदा हो गए? आम जनता अपराध से परेशान है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं, और बिहार में वीआईपी की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। सरकार को सोचना होगा, गरीबी और पैसे का रोना रोने वाली सरकार के लिए ये सच हैरान करने वाला है। आशुतोष कुमार, सहारा समय, पटना।